अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब. इरफान जहीर साहब, जो है T20 वर्ल्ड कप जारी है, बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं. आज हम बात करेंगे कि किस टीम का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है. वेदर कंडीशंस पे बात करेंगे, पिच के बारे में बात करेंगे, सारी जो है ना टेक्निकलिटीज पर बात करेंगे. लेकिन उन सारी चीजों से पहले आप ये बताइए कि कल का जो मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बड़े जबरदस्त तरीके से चेस किया, क्या करेंगे? ना, हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि अब क्रिकेट जो है ना वो बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है, बड़ी अग्रेसिव हो चुकी है. पर्टिकुलरली हम अगर T20 क्रिकेट की बात करें तो एक डिफरेंट मोड में चली गई है. समहाउ अगर हम उसे कंपैरिजन अपनी टीम का देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम अभी भी 90s या 20s की क्रिकेट खेल रहे हैं, अर्ली 20s की, या हम उसे रिलेट कर सकते हैं ODI के फॉर्मेट के लिहाज से. अब ऑस्ट्रेलिया के देखें, न्यूजीलैंड को देखें, या इवन मैं साउथ अफ्रीका का भी नाम लूंगा, अभी उन्होंने भी काफ़ी इंप्रूव कर लिया अपनी स्ट्रेटजी को, तो ये बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं. और इंग्लैंड की भी बात करें तो ये इस तरह की अटैकिंग मोड पे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं कि दूसरी टीम को ये बिल्कुल सेकंड चांस ही नहीं देते. और अगर ये अटैक की तरफ आते हैं, चाहे बैटिंग में या बॉलिंग के, तो फिर बिल्कुल गो फॉर द किल, जिसे कहते हैं ना, किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ खेलते हैं और दूसरी टीम को, अपोजिशन को बिल्कुल गिरा देते हैं. ऑस्ट्रेलिया के कल की मैच की बात करें तो उन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड आए थे. उनको पता था कि हम पहला मैच न्यूजीलैंड से हारे हुए हैं और हमारे लिए समहाउ ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है. क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया कल का मैच भी हारती तो 90% पॉसिबिलिटी आ जानी थी कि वो आउट ऑफ टूर्नामेंट हो जाना था उन्होंने. और एक ऐसे वर्ल्ड चैंपियन होने की हैसियत से और फिर अपनी होम ग्राउंड में खेलते हुए अगर वो आउट हो जाते तो बहुत मुश्किल था उनके लिए. फिर उन्होंने किया क्या कि पहले तो उन्होंने उनको रिस्ट्रेट किया कि अच्छे टोटल के ऊपर, जो उनको लगता था कि रीजनेबल है. श्रीलंका ने क्या किया कि अपनी विकेट्स को शुरू में इंटैक्ट रखा कि हम एंड में जाके पावर हिटिंग करेंगे. और उन्होंने शायद हमारा और इंडिया के मैच को भी माइंड में रखा हुआ था कि 150-160 एक रीजनेबल टोटल है और हमारी स्पिन बड़ी स्ट्रांग है, स्पिन डिपार्टमेंट, और हम इस पे जाके ना उनको ट्रैप कर लेंगे. अब वो जब बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि इन पिचेस का ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं होगा तो किन को होगा, उनकी तो होम ग्राउंड है. तो उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया हुआ था. शुरू में थोड़ा सा उन्होंने 2-3 ओवर सी ऑफ किया बॉल को, थोड़ा सा देखा, बट जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना हुआ तो उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दिया. और ऐसे किस्म का किया, पहले आप उसका देखे मोमेंटम, ऊपर से वार्नर प्रोवाइड करते हैं, वार्नर के विकेट लेके थोड़ा सा वो गेम में ऑन रहे वो ऑलमोस्ट 10-12 ओवर तक तो टोटल, या उससे शायद एक दो ओवर ऊपर भी उनके कंट्रोल में थी गेम. बट ऑस्ट्रेलियन वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम इसे करेंगे. पहले मिचेल स्टार्क ने आके हिटिंग स्टार्ट की, उनकी विकेट मिल गई. फिर उसके बाद मैक्सवेल की इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी. एग्जैक्टली, मैक्सवेल ने 6 बॉलों पे पहले आके 22 बनाए, फिर उनके एक हेड पे भी बॉल लगी. पर वो मोमेंटम एक ना प्रोवाइड कर दिया उन्होंने. क्रिकेट के अंदर बोला जाता है, चाहे मैच बैटिंग की बात करें या बॉलिंग में, मोमेंटम एक आपको मिल जाता है जिसको आने वाले फिर बैट्समैन या टीम के जो भी फर्दर प्लेयर हैं वो उसको कंटिन्यू करते हैं. फिर उसके बाद जब स्टोनिस आए, स्टोनिस की हमें भी इनिंग्स नहीं भूलती जो मैथ्यू वेड के साथ सेमीफाइनल में उन्होंने हमें जिस तरह की हिटिंग की थी हमारे अगेंस्ट और उन्होंने हमें हराया था सेमीफाइनल, वो हमें काफी अरसे तक याद रहेगा. अच्छा, फिर जब स्टोनिस ने आके पावर हिटिंग स्टार्ट की, उनका माइंड ब्लॉक लिया था, दो चीजों के इनके माइंड में था. एक तो हमने मैच जीतना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप में रहने के लिए, और सेकेंडली उनके माइंड में ये बड़ी एविडेंट चीज थी कि हमारा हो सकता है कि हम एक मैच हारे हुए हैं तो कल को जाके पॉइंट्स टेबल के ऊपर रन रेट का मसला भी आएगा. क्योंकि हर पूल के अंदर 3 या 4 टीमें ऐसी हैं जो अच्छी तगड़ी टीम्स हैं. बिल्कुल. और अगर आपके इक्विवेलेंट सबके पॉइंट्स आ जाते हैं जब मैचेस खत्म होंगे, 5-5 मैचेस जब खत्म होंगे, तो फिर आपका रन रेट देखा जाएगा. तो रन रेट पे जो ऊपर स्टैंड कर रहा होगा ऑब्वियसली वो थ्रू कर जाएगी, जिनका कम होगा वो पीछे रह जाएंगे. तो ये भी उनके माइंड में था कि अगर हमें पता है और हमने अटैक करना. तो उन्होंने फिर एक और चीज जो लास्ट में इसमें ऐड करना चाहूँ कल के मैच में, वो ये थी कि उन्होंने टारगेट स्पिनर को किया हुआ था कि स्पिनर्स आएंगे तो उस पर करना, और स्पिनर भी उन्होंने उसको टारगेट किया जो उनका सबसे मेन वेपन था. Exactly. ये देखिए ना, आप डीमोरलाइज किस तरह करते हो किसी की बॉलिंग लाइन के ऊपर, कि आप ऑपोजिशन समझ रही है कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, इसने आके बिल्कुल डिमोलिश करना है आके ऑपोजिशन को, और इसने, ये हमारा विकेट टेकर है. उनकी देखे साइकी या उनकी देखे स्ट्रेटजी चेक करें कि उन्होंने कहा कि अच्छा आप इस स्ट्रेटजी के साथ हो, हम आपके सबसे मेन प्लेयर को अटैक करेंगे. जब मेन प्लेयर को अटैक करेंगे तो पूरा उसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे जाएगा और रेस्ट जितनी भी बॉलिंग लाइनअप है वो भी एकदम गिरेगी और उन्हें लगेगा कि जी अब मेन शटर हो जाएगा. तो उन्होंने उसको पूरा शटर किया, उनको गिराया, और उसके बाद वो जिस तरह 18 बॉलों पे 59 रन स्कोर किए, मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप की शायद इसके बाद भी आने वाले मैचेस में इतनी खूबसूरत इनिंग्स हमें पावर हिटिंग के लिहाज से देखने को ना मिले. और ये मेरा ख्याल है कि अगर T20 क्रिकेट जिस तरह एडवांस होती जा रही है, अब तो डिबेट भी एक चल पड़ी है
कि ओडीआई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट तो चलो रहनी चाहिए, T20 हो, क्योंकि लोग छोटा फॉर्मेट है, 3 घंटे 3.5 घंटे निकाल लेते हैं वो 50 ओवर गेम के लिए, तो आपको पता है 8-9 आवर आपको रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, हमारे जैसों ने तो वो देखना ही देखना है, बट जो छोटी एंटरटेनमेंट चाहते हैं उनको चाहिए कि जल्दी खत्म हो रहे, एंटरटेन ज्यादा हो। तो मेरा ख्याल है कि अब अग्रेसिव क्रिकेट को खेलना पड़ेगा, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा मेथड बाकी टीम्स को भी, मेथड अग्रेसिव क्रिकेट को खेलना। और एशियन मेरा ख्याल है कि समहाउ हम सारे ही लैग करते हैं, बट हमारी टीम अच्छी है, बट ये चीज अगर किसी तरह ऐड कर ले अपने पार्ट के अंदर। ये बात तो वैसे आप पहले दिन से कर रहे हैं कि अगर हमारी क्रिकेट टीम जो है इस चीज को अडॉप्ट कर ले और एग्रेसिव जो है ना क्रिकेट की तरफ आ जाए, क्योंकि हमारा ये स्टाइल है नहीं। जी ऐसे क्या समझते हैं हम? अच्छा, मैं आपको बताऊं, बड़ी एक मजे की चीज ये है कि अगर मैं 90s से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, पाकिस्तान अग्रेसिव था। अगर आप 90s की क्रिकेट भी देखें तो बाकी टीमों से हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, हमारे जो बैट्समैन भी थे या बॉलर भी थे, बॉलर्स तो हमारे रनआउट थे इस चीज के लिए कि वो आके विकेट्स लेने के जाते हैं। इमरान खान की बात करें, वसीम अकरम, वकार, यूनस, शुएब अख्तर, यू नेम इट। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर जो दूसरी भी पौध आई जिसमें हमें आमिर वहाब, ये सब ये भी इसी तरह के थे। हाँ जी। अच्छा, बैटिंग के अंदर भी हमारे पास इस तरह के बैट्समैन थे कि जो अग्रेसिव थे, जिसमें हम बात करें इंजमाम, सईद अनवर, बाद में लेटर ऑन शाहिद अफरीदी, रजाक, मतलब हर टाइम पे दो दो तीन तीन प्लेयर होते थे। इंटेंट का मसला आया 2010 के बाद, हमारा जब कैप्टनसी चेंज की गई, जब वो एक सैड इंसिडेंट हुआ इंग्लैंड के अंदर, आपको याद होगा मैच स्पॉट फिक्सिंग का, उसके बाद आपके मेन प्लेयर चले गए, सलमान बट बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर गए थे, फिर वो शिफ्ट की गई, उस टाइम आपको समझ नहीं आ रही थी किसको कैप्टनसी दी जाए, अफरीदी ने विदड्रॉ कर लिया अपने आप को कैप्टनसी से, मिसबाह उल हक के। तो मिसबाह उल हक जो 4-5 साल हमारे कैप्टन रहे, वो टेस्ट में तो बहुत बेहतरीन रहे, क्योंकि उनका जो स्टाइल था, देखिए हर बंदा डिफरेंट अप्रोच के साथ आता है, उनका जो स्टाइल या मेथोडोलॉजी थी खेलने की, वो टेस्ट क्रिकेट को सूट करती थी, और यही रीजन थी कि हम नंबर वन भी चले गए। बिल्कुल, टेस्ट के अंदर हम 2015 में नंबर वन पे आ गए थे, बट हम ODI और T20 में हमारा ग्राफ नीचे जाता रहा। अच्छा, विक्ट्रीज हमें उस टाइम पे भी इसी तरह मिल जाती थी, 60% हम मैचेस जीतते थे ऑन एवरेज, अगर आज भी आप स्टैट्स देखेंगे वो 3-4 साल के, तो क्या था रीजन, क्या था कि आप ODI के अंदर 240-250 की विकेट खेलते थे, आपके पास सईद अजमल थे, वहाब रियाज थे, फिर आपके पास उमर गुल थे, जो बड़े अग्रेसिव किस्म की बॉलिंग खासतौर पर डेथ ओवर में करते थे, तो पाकिस्तान समहाउ मैचेस में टीम मैचेस को जीत भी जाता था, एवरेज ऑन आप देखेंगे तो 60% जीत रहे हैं, तो आप कंटेंटमेंट शो करते थे जी हम जीत रहे हैं, बट नुकसान क्या हुआ कि आपका ग्राफ जो अग्रेसिव क्रिकेट का था ऊपर जाने की बजाय आना शुरू हुआ, वो एक प्लेयर्स के अंदर भी वही माइंडसेट बन गया कि हमने रुक के खेलना है, ऐसा तेज नहीं खेलना, खेलना ODI के अंदर भी तमाम टीमों ने अपना पेस 2010 के बाद एकदम शिफ्ट हुआ, ये 2010 मेरी नजर में तमाम टीमें एक जैसी क्रिकेट खेल रही थी, ठीक है, ये 2010 के बाद एकदम शिफ्ट किया कुछ टीमों ने अपना, सिर्फ उसमें से बेहतर टीम जो थी सारी टीमों में से वो ऑस्ट्रेलिया थी, वो एक 2-3 दफा का वर्ल्ड चैंपियन था, और पाकिस्तान थोड़ा सा बाकी टीमें इक्विवेलेंट थी। अब वो उसका इम्पैक्ट इतना आया कि हमारी टीम का जो ग्राफ है वो अग्रेसिवनेस का नीचे आना शुरू हुआ, फिर 2 साल फिर हमने उसको गेन अप किया जब सरफराज और मिकी आर्थर का कॉम्बो बना, वो कोच बने, सरफराज भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, हम 2 साल नंबर वन भी रहे T20 के अंदर, ठीक है, तो उसके साथ फिर हमने देखा कि अभी फिर जब उनकी मिसबाह की कोचिंग के अंदर बाबर को ट्रेन अप किया गया, तो वो फिर वही माइंडसेट आ गया। तो इस पे भी मज़ीद डिस्कशन करते हैं, अबूबकर बिलाल हमारे साथ हैं, बिलाल हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं जो मैं ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अबूबकर, कैसे हैं आप, बताइएगा आज ऑस्ट्रेलिया में वेदर कैसा है? रोज बल्कि डेली बेसिस पर जरूर मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर सनी डे है, क्लाउड्स मौजूद, लेकिन वेदर के अंदर कोई बारिश की रेन फोरकास्ट नहीं है, तो बड़ा खुशगवार वेदर है यहाँ का। ओके जी। अच्छा वो बकर, कल हमारा मैच भी होने जा रहा है, तो कल की क्या फोरकास्ट बता रहे हैं, और दूसरा टीम की प्रिपरेशन के हवाले से भी थोड़ा सा हमें जरूर बताइए। जी बिल्कुल, रेन फोरकास्ट तो बिल्कुल नहीं है, मैच कल बिल्कुल क्लियर वेदर के अंदर होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 20 है, तो काफी खुशगवार वेदर है यहाँ का। और ट्रेनिंग की जहाँ तक बात, पाकिस्तान टीम आज 2 मरलों के अंदर प्रैक्टिस कर रही है, पहला जो मरला सुबह के औकात में पाकिस्तान ने किया है वो नेट सेशन किए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के 9 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया है, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, लेकिन बाबर आजम आए, रिजवान यहाँ पर थे, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, जबकि बॉलर्स से बात की जाए तो शाहनवाज, धानी,
बहुत शुक्रिया अबू बकर बिलाल, हमें अपडेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से और बता रहे थे वहां पर वेदर कैसा है। वेदर जी काफी प्लेजेंट लग रहा है, उसके बाद वो ये भी बता रहे थे कि टीम की तैयारी कैसी है। चले हम उम्मीद करते हैं, हम तो दुआई कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। और इरफान साहब, अगर आपकी बात वो लोग मान लें, बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि एग्रेसिव जो है वो क्रिकेट की तरफ उनको आना चाहिए। इरफान साहब, आज के मैच की बात करते हैं। आज अभी जो मैच जारी है आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, इंग्लैंड ने टॉस जीती, आयरलैंड ने बैटिंग की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की, बड़ा अच्छा जा रहे थे, 150 के ऊपर 6 आउट थे। बट जिस तरह हमने कहा कि इंग्लैंड एक बड़ी सीजन साइड है और बड़ी ऐसी क्रिकेट खेलती है, और फिर नेक्स्ट जो उन्होंने 4 विकेट्स है वो 7 रन पे आउट कर दिए उनके, बिल्कुल। तो टोटल उन्होंने जो स्कोर किया वो 157 किया। अब ये आप कह सकते हो कि बड़ा इजी टारगेट होना चाहिए इंग्लैंड के लिए, क्योंकि अगर 170 या उससे प्लस जाते तो फिर आप कह सकते हो कि वो फाइटिंग टोटल हो सकता था, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म की है। अभी जिस तरह हमने कल भी शायद बात की थी कि आप ये देखें कि इतनी बड़ी टीमें और इतने बड़े नामों को उन्होंने बाहर बैठा दिया। इंग्लैंड का नंबर वन बैट्समैन जो रूट, जिसको दुनिया का नंबर वन बैट्समैन माना जाता है, उन्होंने उसको स्क्वाड में शामिल नहीं किया। फिर इसी तरह स्टीव स्मिथ जो था, कल ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का पार्ट नहीं था, वो पानी पिलाता रहा आके, ठीक है ना। अब क्यों उन्होंने इतने इतने बड़े नामों को रेस्ट दे दिया या उनको स्क्वाड का पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जो क्रिकेट है T20 की यंगस्टर की है, पावर हिटर की है। अगर पावर हिटिंग इनके पास नहीं है तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने मेन या सबसे नंबर वन प्लेयर को भी उन्होंने बिठा दिया। इसमें किसी को ओनाइड होने की या मेरा ख्याल है प्रोफेशनल होने की हैसियत से नाराज होने की भी जरूरत नहीं है। दे नो कि ये एबिलिटी हमारे पास नहीं है और ये जो यंगस्टर है ये हमसे बेहतर पावर हिटिंग करते हैं, इनके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है सब टीम का, जीतना, अपनी टीम को जिताना। वो एक्स वाई जी जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको देना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अब वक्त की डिमांड ग्रेजुअली बन चुकी है कि आपको इसी तरह के एग्रेसिव माइंडसेट वाले लड़के चाहिए जी, जो आपको पावर हिटिंग भी प्रोवाइड करें और आपकी टीम को लेके भी चले। क्योंकि फिर आपको एक और चीज है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, यंगस्टर जो है ना वो फील्डिंग के अंदर कम से कम 10-15-20 रन सेव भी कर लेते हैं। जो थोड़ा सा एज में ज्यादा है वो उस तरह जो ब्रिस्ट रनिंग नहीं कर पाता, ठीक है, वो लेथाजिक होता है। फिर इसी तरह वो कैचिंग के अंदर भी कोई ना कोई उसमें मिस्टेक हो जाती है। यंगस्टर के अंदर पैशन ज्यादा होता है, वो पैशन ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, वो उसी के साथ वो जाता है और वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मेरा ख्याल है अब टीमों का टाइम आ चुका है कि वो इस माइंडसेट के साथ जाएं। हम तो ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर जी, कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो अब इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में आए, बिल्कुल, और एनर्जी और एंथुसियाज्म। अच्छा इरफान साहब, कल भी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने भी चेस किया, आज भी इंग्लैंड ने भी टॉस जीती, वो भी चेस करना चाह रहे हैं। ये चेस करने वाली स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जो मोस्टली बहुत लोग इसमें लैक कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले यही बात की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया एक वाइड कंट्री है जहां पहले बैटिंग को प्रेफरेंस दी जाती है और 80% आपकी टीमें जो पहले खेलती हैं वो मैच जीतती हैं। बाकी तमाम रेस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो उसमें चेस करने वाली टीम ज्यादा जीतती हैं और 90% टीम टॉस जीत के वो चेस की तरफ जाती हैं। बिल्कुल। अब इसके दो रीजन सॉरी हमें नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि जब आप चेस की तरफ आप इन कंडीशन में जा रहे हो तो वेदर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता, अनसर्टन चल रहा है कि अब किसी टाइम पे क्लाउड आ जाते हैं, ड्रिजल हो सकता है। जैसे एक मैच हमने देखा भी कि एक एक पॉइंट मिला जिम्बाब्वे को और साउथ अफ्रीका को, तो हर मैच बड़ा क्रूशियल है, पॉइंट्स बड़े क्रूशियल हैं। तो चेजिंग वाली साइड को एक ये मालूम होता है कि अब मेरे पास ये टारगेट है, इतने ओवर्स हैं, मैंने इतने ओवर्स में ये टारगेट को अचीव करना है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है चेस करने वाली साइड। क्योंकि पहले खेलते हुए आप अपनी गेम प्लान डिफरेंट कर रहे होते हो, आप 20 ओवर को रख के आप उसके मुताबिक खेल रहे होते हो, तो चेस वाले का माइंड का यही ऑब्जेक्टिव एक तो सबसे बड़ा ये है। दूसरा, आजकल जो पिचेस यूज की जा रही है वो ड्रॉप इन पिचेस हैं। ड्रॉप इन पिचेस का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो मल्टीपल पर्पजेस के लिए ग्राउंड्स यूज होती हैं। होते हैं, जब वो मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज होती हैं तो फिर आपकी 3-4 मंथ रग्बी चल रही है, फुटबॉल चल रही है। अच्छा, एक चीज अच्छी ये कह रहे हैं कि जिस जगह की सॉयल है या क्ले है वही यूज कर रहे हैं, सॉरी उसी क्ले को वो यूज किया जा रहा है, उससे यह कि बाउंस आपको वो मिलता है। बट जब आपकी ड्रॉप इन पिच है तो उसमें वो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रास वो या वो चीजें शायद उस तरह ना मिल पाए जो आपकी रूटीन में आपकी एक जो नॉर्मल ग्राउंड जो पूरा साल प्रिपेयर की जाती है उस तरह का मिल पाए। तो ये सारी चीजों को कंसिडरेशन रखते हुए टीमों को प्रेफरेंस यही दी जा रही है कि हमने चेज की साइड पे जाना है। और चेज में जब आपको बेनिफिट होता है कि आप एक तो टारगेट का आइडिया होता है और विकेट भी आपकी संभव उसी तरह खेल रही है, बिल्कुल, क्योंकि एशियन कंडीशन के अंदर यह भी होता है कि जब आपकी बॉल थोड़ा पुरानी हो जाती है वो फंसती है, बॉल ग्रिप करती है, स्पिन करती है, तो उससे यह भी प्रॉब्लम आता है कि वो
प्रेफरेंस होती है कि आप जी चेज करें, तो अभी भी ये उस चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस इसीलिए दे रहे हैं दोनों तीनों डिसीजन को माइंड में रखते हुए तमाम टीम थिंक टैंक जो काम करें कि चेज की तरफ जाए, ताकि हमें टारगेट का भी पता हो, विकेट भी थोड़ी सी कंडीशन भी सूटेबल हो जाए, बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए, और फिर हम उसको चेज करें। बहुत जबरदस्त बात की आपने, बिल्कुल पिचेस की बात करते हैं, विकेट्स की बात करते हैं, तो टीम्स जो है वो चेजिंग की तरफ आ रही है। मुझे ये बताइएगा कि पिचेस किस तरह से बिहेव कर रही हैं, ये पिचेस जो है वो पेस अटैक के लिए हैं, लेकिन नोटिस ये किया गया कि जितनी भी टीम्स हैं वो स्पिनर्स को अटैक कर रही हैं और यही उनकी स्ट्रैटेजी बन रही है मैच या क्रिकेट जीतने के लिए। मुझे ये बताइए कि ये क्या स्ट्रैटेजी आगे टीम्स की होनी चाहिए, और क्योंकि हर टीम के पास ट्रम्प कार्ड्स हैं, कुछ उनके क्रिकेट एशियन टीमों के लिहाज से हम बात करें, टीम्स के लिहाज से, तो हमारे पास भी जैसे शादाब है, नवाज है, सरंगा की बात करें तो हर आदिल रशीद इंग्लैंड के पास है, तो हर टीम ने एक दो स्पिनर ऐसे जरूर रखे हैं जो उनको मैच जिताते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हमने देखा 10-12 ईयर्स के अंदर के 90% लेग स्पिनर ने या ऐसा कोई स्पिन ऑफ स्पिनर भी वो मैचेस जिता रहे हैं। बिल्कुल, इस दफा क्या हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर कि इधर बॉल स्पिन और ग्रिप नहीं कर रही, ठीक है, चाहे वो ड्रॉप इन पिचेस की वजह से है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैसे भी ये टेंडेंसी थोड़ी कम होती है, बिल्कुल, बट मैंने अपनी हिस्ट्री में दो बॉलर्स को देखा अपनी क्रिकेट जितनी भी मैंने फॉलो की है, एक ग्रेट शेन वॉन और दूसरा मुरलीधरन, वो इन पिचेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पिन करते थे, या तीसरा हमारे सईद अजमल थे जो जादूगर स्पिनर भी जिनको कहा जाता था, वो बैट्समैन को बॉदर करते थे। बाकी इधर आम ब्रेक जिस तरह नॉर्मल कोई लेग ब्रेक करता है या ऑफ ब्रेक करता है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेट्स सपोज वो 2 या 3 इंच ब्रेक हो रही है तो इधर 1 इंच होगी, ये नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया की टेंडेंसी यही रही है। अच्छा, अब ड्रॉप इन पिचेस की वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चीज और कम हो गई है, बॉल जो है स्पिनर की ज्यादा अच्छा बैट पे आ रही है। अब क्या करना शुरू किया टीम्स ने, एक एक मैच के अंदर ही ये फोर्सी कर लिया, क्योंकि कुछ टीम्स तो पहले की भी आई हुई थी वो इधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी खेले, अब उन्होंने देख लिया कि पेस के अंदर तो मसला आ रहा है कि बॉल बाउंस भी ज्यादा आ रहा है, ज्यादा तेज भी आ रही है, तो उस पर आप इतना का रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल, क्योंकि T20 के अंदर आपको 2-3 ओवर ऐसे होते हैं किसी एक वीकर लिंक को अटैक करना होता है, उसको अटैक करके आप मैच जीतते हो। हमने हमारे गेम्स में इंडिया ने नवाज को किया, हमने भी इंडिया के अक्षर पटेल को किया, उसको अटैक किया, श्रीलंका के कल मैच के देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी उनका जो बेस्ट बॉलर था सरंगा, exactly, उसको अटैक किया, और उसको 3 ओवर के अंदर 48 रन स्कोर किए, तो दैट वाज द डिफरेंस। अब मेरा ख्याल है एक सारी टीमें फंस गई हैं कि आपने जो स्क्वाड बनाए उसमें आपने 90% अपना जो बैंक किया, आपने रिलाय किया वो अपने स्पिनर पे किया, और अपनी गेम प्लानिंग या स्ट्रेटजीज के अंदर भी लेके आए कि हमने स्पिनर के साथ जाना है, के साथ जाने। और एशियन टीमों का मसला ये है कि ये 2-3 स्पिनर लेके आए हुए हैं और इन्होंने इसी पर सोचा था कि हमने इन्हीं के साथ चलना है। अब प्रॉब्लम ये आएगा, अभी जैसे कल हमारा मैच होने जा रहा है और उसमें भी जहां तक मेरे जराया 2 चेंजिंग एक्सपेक्टेड है उसमें, एक तो ये है कि पाकिस्तानी टीम सोच रही है कि वसीम जूनियर या हसनैन के साथ जाएंगे नवाज की जगह पे, अच्छा, क्योंकि पर्थ की विकेट जो है जो आपने पहले क्वेश्चन किया ये दुनिया की फास्टेस्ट विकेट है, और अभी ऑल दो के ड्रॉप इन पिच है, बट जो जराये बता रहे हैं कि जो क्ले यूज किया जा रहा है, जो मड यूज किया जा रहा है वो सेम उसी उनकी यूज की जा रही है, उनकी सॉइल का वो डिफरेंट नहीं है किसी और जगह का, उसी जगह का है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि 2 मैचेस मैं देख चुका हूँ 2-3 वो उसी तरह बड़े बाउंस और तेज पेस पे बॉल निकल रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक तो 4 पेस अटैक के साथ जाएगा, शादाब को साथ कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि शादाब प्योरली स्पिनर तो है ही हैं, बट उनके पास वैरायटी बहुत ज्यादा है, वो लेग ब्रेक भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, फ्लिपर भी उनके पास है, तो उनके पास वैरायटी ज्यादा है। नवाज जो है वो ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन बॉलर है, उनके पास सम हाउ उतनी वैरायटीज नहीं है जितनी शादाब के पास है, प्लस शादाब बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, उनको मैन्यूवर किया जा सकता है, अगर तो नवाज को खिलाया गया तो नवाज को इसी सेंस में खिलाया जा सकता है कि एज ए आप ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे कंसीडर करके खिला ले, बट मेरा नहीं ख्याल उनकी जगह बन रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर टीम का कॉन्फिडेंस आसफ अली पे थोड़ा लैग करता है या हैदर अली पे करता है तो फिर आप गो दे सकते हो, जगह दे सकते हैं, दे सकते हैं जी। इरफान साहब, आपने बॉलिंग में जो चेंजेस करने की जरूरत है बॉलिंग ऑर्डर में आपने बता दिया, मुझे ये बताइए कि बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, किस तरह से इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। ना, हम ये डेली डिस्कशन का पार्ट बना रहे हैं अपनी कि हम बात करें कि हमारे बैट्समैन जो है वो अग्रेसिव नहीं खेलते और हमारे जो टॉप 3 बैट्समैन है बाबर, रिजवान और शान मसूद, ये तीनों एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं जी। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 110-115 का है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कहीं भी सूट नहीं करता। आप जितनी भी टीमें देख लेंगी जो टीमें जीत रही हैं या उनके टॉप ऑर्डर की बात करें तो वो सम हाउ
उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 170 से 180 से अबव है, इससे बिलो किसी टीम का भी आपको नजर नहीं आएगा जी, चाहे वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, हम स्टैट्स पे बात कर रहे हैं, वर्बल तो उसमें किसी की हम बात ही नहीं कर रहे, इससे अबव है। अब होता क्या है कि जब हमारे तीनों प्लेयर एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, आल दो कि आपको लगता है जी आउट नहीं हुए अच्छा रहा, तो उसका जब एंड में जब विकेट जाती है इनकी तो सारा वो प्रेशर आता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। ट्रू, मिडिल ऑर्डर जब तेज खेलने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली आप हर बॉल पे छक्का तो नहीं लगा सकते, बट उनको पीछे से मैसेज ये दिया जाता है कि आपने एवरेज 7-8 बॉल खेलनी है, इस पे जाके आपने हर बॉल पे 6 या बाउंड्री लगाए चौका लगाए, तो वो जब ट्राई करते हैं तो ऑब्वियसली ओपोजिशन भी प्लान के साथ आती है तो वो आउट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका सम हाउ टोटल यही 160 रहता है, वो आपके बेनिफिशियल नहीं रहता। लास्ट मैच में हमारे ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर ने अच्छा खेला बट फिर भी टोटल वही रहा, हमें उस शेल से बाहर आना पड़ेगा। ना जो मैं एग्रेसिव क्रिकेट बार बार बोलता हूँ, ये मैं रट इसलिए लगाता हूँ कि हमें करना पड़ेगा, आपने देखें विदाउट फियर खेलना पड़ेगी। आप जब 160 करके मैच हार रहे हैं तो व्हाई यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 190 और 200? एग्जैक्टली, ठीक है, आपने जीतना है, आपने गिराना है अपोजिशन को। आपने 180 या 190 कर लिया तो आप जीत गए हैं, आपकी जो बॉलिंग लाइन है आप समझे कि आपने 99% मैच जीत लिया है। तो आप उस अप्रोच के साथ जाए ना, तो ये शेल से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं इरफान साहब, हमारी टीम को किस तरह से इस फियर से बाहर निकलने की जरूरत है, और फखर जमान पे भी प्लीज कमेंट कीजिए। हां मैं वही बता रहा हूं, ये तो थिंक टैंक का काम है, कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा आती है, उसका ऑनर्स बनता है, कोच का बनता है कि वो टीम को बिठाए बताए। जिस तरह मैंने मिकी आर्थर और सरफराज की बात की, मैंने इनको काम करते हुए देखा है क्लोजली, कि ये मीटिंग्स के अंदर ये जब भी ये डिस्कशन करते थे ये स्फीयर को निकाल के बात करते थे कि हमने हारना या जीतना है। बिल्कुल, वो उसी किल के साथ जाते थे कि हमने ओपोनेंट को गिराना और ये टारगेट रखना है। इसी ऐसे तो नहीं आप 2 साल नंबर 1 रहे T20 के अंदर, कहना आसान है 13 सीरीज ऑन अ ट्रॉट यू हैव वन, पाकिस्तान जीता, ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक चल रहा है। तो ये इसी वजह से था कि आपने स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेली। अभी भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, बट आपको थोड़ा सा उस शेल से बाहर ये आना जो आप बात कर रहे हो कि हमने अगर हार गए तो कोई मसला नहीं है। इस जब आप शेल से बाहर आओगे हो सकता है आपको शुरू में प्रॉब्लम आए, आपको हो सकता है आपको 2-4 सीरीज इवेंट आप हार जाए, हार आप पहले भी रहे हो। बिल्कुल, आप देखे ना 1.5 साल में आपने कौन सा इवेंट जीता, एक ट्राई नेशन सीरीज हमने लास्ट ईयर जीती, उससे पहले 1.5 साल में हमने कोई इवेंट नहीं जीता, कोई इवेंट नहीं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने उस चल से आना है, 2-3 सीरीज आप हार भी सकते हो, लड़कों को आपने सपोर्ट करना है, उनको कहना है कि आप टीम का पार्ट है, बट हम अपनी मेथड जो है ना क्रिकेट की चेंज करने लगे हैं। चाहिए, इवन हमारे पास प्राइम एग्जाम्पल श्रीलंका की है, 2 साल से वो कंटिन्यूसली हार रहे थे, उनकी टीम मैनेजमेंट ने क्या किया कि नए लड़के इंडक्ट किए, उनको एक मैसेज दिया कि आपने जाके अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, रिगार्डलेस आप जीते हारे वी डैम केयर आप खेले, उन्होंने आपको एशिया कप जिता दिया, ठीक है ना, वो क्लिक हो गया फार्मूला, आप चल गए। चले मैं ये भी नहीं कहता कि आपके सारे के सारे जितने 5 या 6 बैट्समैन है सारी पावर हिटिंग करें, बाबर और रिजवान दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, रिजवान नंबर 1 पे है रैंकिंग में, बाबर अब नंबर 3 पे है, चले आपसे नहीं खेला जाता, आपका मेथड इसी तरह का है, आप उसी पे साथ खेलें, लेकिन आप उसके आप इस तरह का कंपोजिशन बनाए टीम का कि आप उसके साथ ये कर सकते हो कि आप फखर जैसे बैट्समैन को आप ऐड करें। जैसे मैंने आपके साथ भी काफी मॉर्निंग शो में भी या दूसरे शो में हमने बात की कि फखर अगर ओपन पे आ जाता है तो हम पावर प्ले की यूटिलाइजेशन कर लेंगे, बट वो दोनों हमारे ओपनर जो हैं वो अपना स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी फखर को अगर नंबर 3 पे भी लाते हैं तो मेरा ख्याल है ये बैटिंग स्टाइल उसको सूट करता है, क्योंकि वो पुल और हुक अच्छा लगाता है और पीछे वाली बॉल जब उसके बैट पे आती है वो अच्छा खेलता है, जैसे इंग्लैंड में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। एशियन कंडीशन में वो फंसता है क्योंकि बॉल थोड़ा रुक के आती है, लो बाउंस पे आती है, उसमें प्रॉब्लम होती है उसको। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, मैथ्यू हेडन से वो बात कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि मुझे ये स्टाइल सूट करता है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि ये बैटिंग के अंदर एक चेंजिंग मस्ट रिक्वायर्ड है हमें, ये अब देखना पड़ेगा कि आया वो टीम मैनेजमेंट सब कि शान मसूद की जगह पे रखते हैं या हैदर अली की जगह चांस देते हैं, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक हो, अभी की अपडेट भी दे दें आप। जी जी बिल्कुल, 2 आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के, और स्कोर जो है वो इरफान साहब अगर आप बता दें क्या स्कोर है अभी, 14 स्कोर पे 2 आउट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है, आयरलैंड की स्कॉटलैंड या नीदरलैंड की एक बार थोड़ी सी बात करूं, ये तीनों टीम्स के पहले अगर इनके प्लेयर 12-14 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके प्लेयर पहले जॉब पे काम डिफरेंट जगह पे जॉब्स करते थे, और जब भी कोई इवेंट होता था उससे कोई 1-2 मंथ पहले गैदर्ड होके जेल इन होके और वो क्रिकेट मतलब वो कह लें कि आप वो एज ए हॉबी क्रिकेट खेलते थे, प्रोफेशनल नहीं थे, बट अब दे हैव रियलाइज कि नाउ वी हैव टू प्ले एज ए यूनिटी और एज ए टीम और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे खेलना है।
अब इनके प्लेयर जो है वो सिर्फ प्योरली क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है, वो छोड़ दी है, हॉबी को उन्होंने जॉब बना लिया है। तो अब उन्होंने जॉब बना लिया, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। अब वो क्या करते हैं कि जब इनका सीजन होता है क्रिकेट भी खेलते हैं सारा साल, काउंटी भी खेलते हैं और तमाम दुनिया की लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। उसका एडवांटेज ये हो रहा है कि अब आप इनको किसी तरह भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। हम ऑन पेपर तो कह सकते हैं कि ये सेकंड ईयर की टीम है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड ये पाकिस्तान ये एट ईयर की टीम है, बट ये आपको किसी भी गिवन डे के ऊपर सरप्राइज कर सकती है। जैसे इन्होंने अच्छा टोटल, अगर 170 हम बात कर रहे थे, 170-175 कर लेते तो एक बहुत अच्छा टोटल था, बट अभी भी इन्होंने somehow फाइटिंग टोटल तो रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने भी उस स्ट्रेटजी के साथ आया जिस तरह दो इंग्लैंड के आउट कर दिया, और इन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड को डिफीट दी हुई है, 2007 के वर्ल्ड कप के अंदर हमें भी दी हुई है, तो हमें नहीं भूलता, ये हम कैसे भूल सकते हैं। तो हमें भी इन्होंने काफी एक दफा हिलाया हुआ है, तो ये जॉल्ट करेंगे मेरा ख्याल है, दे हैव द एबिलिटी टू जॉल्ट इंग्लैंड, और ये उस एबिलिटी के साथ एक दफा मेरा ख्याल है पूरे टोटल पे जोर लगाएंगे, बिल्कुल कम बैक करेंगे। और मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप की ब्यूटी यही होनी चाहिए, T20 की बात करें, क्रिकेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं लगता कि काया पलट सकती है, ये अनप्रेडिक्टेबल भी है, क्रूअल भी है और पैशनेट भी है, इसका सारे फ्लेवर है। अक्सर लोग जो जिनको खैर हम तो और तरह क्रिकेट को देखते हैं, तो जो लोग मेरे से बात करते हैं ना क्रिकेट देखने का क्या फायदा, मजा नहीं है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देख लें, ठीक है। आप देखें किसी, आपको जो लोग ड्रामों को पसंद करते हैं, मैं क्या प्ले देख लें तो उसका मजा ले लें और इस मैच का मजा दें, आपकी क्या ब्लड प्रेशर की वेरिएशन है, स्ट्रेस लेवल क्या, जो नर्व रैकिंग मैच होते हैं ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, एक स्पोर्ट्स के अंदर आपको वो सारा अल्टीमेट मिल रही है, और फिर आप अगर जीत जाते हैं तो जो प्लेयर आपको मिलता है, मैं तो मानता हूँ कि ये एशिया के अंदर इट इज सेकंड रिलीजन समहाउ, ये आप पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो हम सेकंड रिलीजन के तौर पर ले रहे हैं, और हमारी इतनी सेंटीमेंट्स इसके साथ अटैच हो चुकी है, इमोशनल बेसिकली ना, वो यार बेसिकली इमोशनल नेशन दोनों, क्योंकि पट्टी तो हमारी वो एक ही है दोनों कंट्रीज की, तो हमारा वो सोचने का अंदाज, बिहेव करने का अंदाज, दैट इज प्योरली द सेम, तो दोनों एक तरह बिहेव करती है, तो वो हम इसको स्पोर्ट्स से थोड़ा बियॉन्ड ले गए हैं, जो कि मेरा ख्याल होना नहीं चाहिए आइडली। और अब जिस तरह इवेंट्स के अंदर सिर्फ साल में एक दो दफा हम खेल रहे हैं, ज्यादा नहीं खेल रहे, उससे वो प्रेशर और बिल्डअप होता जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा साइन भी है लोगों के लिए, और इसको एंजॉय भी करना चाहिए। बट एक चीज मेरी जरूर, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को रिलीजन से और पॉलिटिक्स से बियॉन्ड रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये भारत का जो एजेंडा देख रहे हैं हम कंटिन्यूसली लास्ट 10-12 ईयर से, पाकिस्तान से नहीं खेलना, न्यूट्रल वेन्यूज पे नहीं खेलना, अच्छा जी वो IPL में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं आएंगे, जो जो अच्छा, अब तो इस दफा इन्होंने ये किया जिस मेरा ख्याल एक्सट्रीम इनकी वो हटधर्मी की वो एग्जांपल थी कि जिन लड़कों की बिडिंग PSL के लिए लड़कों ने कहा कि वी आर अवेलेबल, इनको इनको इन्होंने IPL में लेने से इनकार कर दिया। तो ये देखे ना प्रोफेशनलिज्म के कितने अगेंस्ट है चीज कि एक प्लेयर है उसने वो अपनी बाउंड्रीज नहीं रख रहा, आपके चले स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है उसका तो क्लियर है ना, उसको तो पता मैंने क्रिकेट खेली है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने बात की। इवन स्पोर्ट्स के साथ इवन ये मीडिया की फील्ड की भी बात कर ले, इसमें भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। हमारे एक्टर्स जब उधर जाके परफॉर्म करते थे उनके कुछ लोग इधर आते थे तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था, एक एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था। फैंस अभी भी जाते हैं, बहुत सारे हमारे एक्टर्स वहां पर जाके परफॉर्म करते हैं, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है आर्ट्स कल्चर। मोदी गवर्नमेंट ने तो पाबंदी लगा दी है, अब ये तो अलाउ नहीं कर रहे, ये गवर्नमेंट तो प्योरली अब अलाउ नहीं कर रही, लेकिन ये है कि हमें होना जरूर चाहिए, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, उससे यह है कि आपके लोगों की आपकी नेशन जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखे ना वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नेबर्स कैन नॉट बी चेंज, एनिमीज कैन बी चेंज, जो आपका नेबर है वो अल्टीमेटली नेबर है, वो जब तक आप जिंदा है वो नेबर ही रहना, उसको कैसे चेंज करेंगे आप। तो आप एनिमीज को चेंज कर सकते हो, नेबर्स को नहीं कर सकते, तो आपको अकल दी है अल्लाह ने। अब मैं अक्सर इसमें हम क्रिकेट से थोड़ा हटके बात करना शुरू हो गए कि आपकी लिमिट कोई नहीं है, आप उसमें देखे ना, आपकी अगर कोई आपने लड़ाई करनी है कश्मीर के इंसिडेंट को लेके तो आप 100 साल कर लें, 200 साल कर लें, देयर इज नो लिमिट, बिल्कुल उसको सेटलमेंट नेगोशिएट करना चाहिए, और इसी तरह क्रिकेट वो रोल प्ले कर सकता है। देखिए स्पोर्ट्स की वजह से मेरा मानना यह है कि 2006-07 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई तो मुझे याद है कि सड़कों पे जब उनकी टीम होटल से स्टेडियम तक जाती थी तो थ्रू आउट हमारे लोग वहां पर खड़े उनको वेलकम करते थे, वेलकम करने के लिए, और इंडिया ने वो जो ODI सीरीज जीती तो मुझे याद है कि पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनको क्लैप किया। बिल्कुल इसी तरह हमारी टीम भी जब पहले पुराना एरा के अंदर जब जाती थी तो पाकिस्तान जब जीता था तो कई दफा हमने देखा वो उन्होंने पथराव भी किया, जलाया छाया भी किया, तो फिर लेटर ऑन उनका बिहेवियर भी चेंज हुआ, वो भी वेलकम, उनके लोग भी बड़ा प्यार करते।
तो अब बीसीसीआई को भी चाहिए कि इस पे कोई एक्शन ले। आगे नहीं आ रही बीसीसीआई अभी तो, बल्कि और वर्ष उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया ना। अभी तो उन्होंने जो अभी प्रोपोगेंडा लास्ट वीक से चल रहा है कि उन्होंने डिनाई कर दिया पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर जब एशिया कप होना है तो उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे न्यूट्रल, और एसीसीए ने कह दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कि हम न्यूट्रल वेन्यूज को देखेंगे। जब रमीज राजा का बड़ा राइटली उन्होंने ये स्टांस लिया कि फिर हम वर्ल्ड कप को भी कंसीडर नहीं करेंगे अगर आप उसका भी देखें, तो आईसीसी खामोश हो गया। तो जिसे कहते हैं ना कि बीसीसीआई इज कंट्रोलिंग आईसीसी, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह लेके चलना है, और बाकी तमाम कंट्रीज को भी इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा। जो लीड पैनल के ऊपर कंट्रीज हैं उनको भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। कल को ये किसी और कंट्री भी किसी के लिए बात कर सकता है। तो आईसीसी को चाहिए कि ये हमारा रूल एंड रेगुलेशन है, इसमें आप कोई कंट्री खामोशी तोड़े अगर करेंगे तो हम उस पर बैन लगाएंगे। कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन पनिशमेंट की इस तरह की रखें, कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसे लेके आए जो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की हो, ताकि उनको रियलाइज हो कि अब हमने ये चीज नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें स्टेप ऑन करने की जरूरत है आईसीसी को भी, करती हैं बिल्कुल। और हमारा भी कोई इस तरह का अथॉरिटेटिव किस्म का बंदा हो जो इस पे पक्का रहे। होता क्या है कि डिप्लोमेसी के अंदर भी हम एक स्टांस लेते हो फिर एक दो कदम पीछे आ जाते हैं, आ जाते हो। वो पीछे आने वाला सीन नहीं है, क्योंकि आप मेरी है ना बात याद रखिएगा, आईसीसी या दुनिया पाकिस्तान को क्रिकेट से एब्सोल्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि व्यूअरशिप अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट की है। आईपीएल का वो ग्रेड उठा के देख लें जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट थी क्रिकेट देखते थे और जिसमें पाकिस्तान प्लेयर होते थे, तब क्या था और अब क्या है, तो ये तो आप छोड़ दें। और अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो व्यूअरशिप है तो पाकिस्तान की वजह से ना, बिल्कुल। अगर चले हम सारा क्रेडिट नहीं लेते लेकिन हाफ तो हमारी हाफ तो क्रेडिट तो बाकी टीमों के साथ जब खेलते हैं आप तो कोई भी नहीं देखता आपको, हमारे साथ जब खेलते हैं तो दुनिया देखती है। सबसे बड़ा टाकरा कहा जाता है, जैसे वो कह रहे थे कि रेन अगर हो जाती तो आईसीसी को $7 बिलियन वापस लॉस होना था, उनको वापस करने पड़ने थे। तो आईसीसी को इधर ही खुदा का खौफ खाना चाहिए कि पैसे चलो कमा रहे हो तो थोड़ा सा लिहाज करें और इसको खामोशी तोड़े, खामोशी तोड़े इसको लेके चले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। सेकंड मैच की बात कर रहे हैं, सेकंड मैच की बात करते हैं। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान ये मैच होने वाला है, किस टीम का जो है वो पलड़ा भारी लग रहा है? जैसे हमने अभी बात की है ना, दोनों टीमें आज T20 में तो कोई भी गिवन डे सरप्राइज कर सकती है, वो अपसेट भी कर सकती है। और अफगानिस्तान का भी मेथड जो है वो एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, टोटल अग्रेसिव, उनके पास तो दूसरा वेस्ट इंडीज की तरह ऑप्शन ही कोई नहीं होती। बट ये कंडीशन ना उनको हैम्पर करेंगे, ये एशियन कंडीशन के ऊपर तो बहुत लीथल साइड है, बट इस तरह इंग्लैंड की कंडीशन, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के अंदर ये इतनी डेंजरस साइड नहीं है। जिस तरह लास्ट मैच इन्होंने पर्थ में खेला इंग्लैंड के खिलाफ, तो इनके प्लेयर्स ने 50-60 बॉल बीट की, यानी कि उनको आइडिया नहीं हो रहा था किस पेस पे बॉल आ रही है, बिल्कुल, और किस बाउंस पे आ रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल होगा उनके लिए, बट ऑन द गिवन डे यू नेवर नो कोई एक ऐसी आधी इनिंग्स हो जाए। बट मेरा तो 100% मुझे आई बिलीव कि न्यूजीलैंड इज द विनर, वुड बी द विनर ऑफ दिस मैच। ओके, चलें आपकी ये प्रेडिक्शन है कि न्यूजीलैंड विल बी द विनर, लेट्स सी क्या होता है। वैसे आपकी जितनी भी अभी तक प्रेडिक्शंस हैं और आप जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, जो भी आप तज्जिया पेश करते हैं, जितने भी लोग आपको देखते हैं मुस्तफीद होते हैं और वो आपका तज्जिया जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट साबित होता है। ये मेरे से टैग पता है किस तरह किया गया, वैसे हम तो क्रिकेटिंग सेंस के ऊपर बात करते हैं, हम कोई नॉलेज बेस्ट कैसे होता है। 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एक और चैनल पे मैं था, तो उस पे मैंने इंडिया के साथ टाकरा था जी। तो पहला मैच हो रहा था, हम बुरी तरह हारे, तो उसमें मैंने इंडियन के जो कुछ प्लेयर्स भी थे दूसरे साइड पे, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा और पाकिस्तान जीतेगा, रमजान में ये हो रहा है तो हम जीतेंगे। अब पता नहीं वो मैंने किस तरह वो बात कह दी, वो हुआ फाइनल, हम जीत गए। बिलीव मी वो सारे चैनल ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया जी, आपने ये प्रेडिक्शन सच चाहे तो वो एक टैग मेरे साथ ना अटैच हो गया, पता नहीं वो तुक्का मारा या सक्सेस ने काम किया। चले आज भी आपने प्रेडिक्शंस किए, लेट्स सी हम बाद में भी हमारी एक और ट्रांसमिशन है जिसमें हम देखेंगे क्या बनता है। थैंक यू सो मच इरफान जहीर साहब फॉर योर टाइम, मुझे और इरफान जहीर साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।